तो दोस्तों, डेटा कंप्रेशन का यूज तो हम सब करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। चाहे मैं बात करूँ किसी भी मूवी की, या फिर मैं बात करूँ किसी भी फाइल की, या फिर मैं बात करूँ किसी भी फोटो की, इन सभी में हम इसका यूज जरूर करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे किसी भी फाइल को कॉम्प्रेस करने का एक लिमिट होता है, जिससे ज्यादा हम उसे कॉम्प्रेस या फिर छोटा नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक 10 GB का फाइल है, तो आप उससे ज्यादा से ज्यादा 2 GB का बना सकते हैं। उससे ज्यादा छोटा करने पर आपको यहाँ पे डेटा का लॉस देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है, 1996 में RGB स्नूट नाम के एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ने यह दावा किया कि वो एक ऐसे एल्गोरिदम पे काम कर रहे हैं, जिसके मदद से वो किसी भी 2 घंटे की फुल मूवी को केवल 8 KB में कॉम्प्रेस कर सकते हैं। मतलब दोस्तों, आप सोचिए ये कितनी बड़ी बात है, और उस समय के लिए कितनी बड़ी बात रही होगी। लेकिन दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली वो इस बात को साबित नहीं कर पाए, क्योंकि 1999 में एक हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत हो गई, और उनके साथ उनका ये एल्गोरिदम भी मानो गायब ही हो गया हो।